जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पितामह भीष्म जो है मृत्यु की सैया पर लेटे हुए अर्जुन को जो पांच मंत्र बताए थे जिससे आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, आपका भी जीवन देखने का जो है नजरिया बदल सकता है, वह पांच मूल मंत्र क्या थे आइए हम जानते हैं। महाभारत केवल एक महाकाव्य ही नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अमूल्य स्रोत भी है। इस महाकाव्य में एक विशेष घटना का उल्लेख मिलता है जिसमें भीष्म पितामह युद्ध के मैदान पर मृत्यु सैया पर लेटे हुए अर्जुन को जीवन से जुड़े पांच मूल मंत्र दे रहे हैं। पितामह भीष्म की यह सीख आज के जीवन में बहुत ही काम आ सकती है। कौन सी वह सीख है, कौन कौन से वह मंत्र है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला मंत्र जो है वो है, भीष्म पितामह ने अर्जुन को धर्म की महत्वता बताते हुए कहा है कि धर्म जीवन का मूल है। धर्म का पालन करना न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है बल्कि समाज और समृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। यह सलाह उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और सत्यनिष्ठा के आधार पर दी थी। पितामह भीष्म का दूसरा मंत्र था सत्य का अनुसरण। भीष्म ने अर्जुन को बताया कि सत्य से कभी भी विचलित नहीं होना। सत्य का अनुसरण करने से व्यक्ति के कर्म और विचार शुद्ध होते हैं जो उसे जीवन में नैतिकता और सम्मान दिलाते हैं। सत्य की राह पर चलकर ही व्यक्ति समाज में ही सही स्थान प्राप्त कर सकता है। पितामह भीष्म ने तीसरे मंत्र में बताया है कर्म का निष्काम भाव। निष्काम कर्म की बात की है उन्होंने। अर्जुन को समझाया कि किसी भी कार्य को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या अपेक्षा के करना चाहिए। निष्काम कर्म का तात्पर्य है कि कार्य को केवल अपने कर्तव्य की भावना से किया जाए न कि फल की इच्छा से। यह मंत्र यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। पितामह भीष्म ने चौथा मंत्र बताया है संतुलित और संयमित जीवन। उन्होंने अर्जुन को संतुलित और संयमित जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना आवश्यक है ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सके। अधिक उत्साह या अत्यधिक निराशा दोनों ही व्यक्ति के विकास में बाधक हो सकते हैं। पितामह भीष्म ने पांचवें मंत्र में बताया कि ज्ञान और ध्यान का महत्व। उन्होंने कहा है कि अर्जुन ज्ञान और ध्यान के महत्व पर जोर देना। उन्होंने कहा कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति और ध्यान की साधना आवश्यक है क्योंकि ये दोनों ही जीवन के रहस्यों का समझने में मदद करता है और आत्मा की उन्नति में सहायक होते हैं। ज्ञान और ध्यान से व्यक्ति अपने आत्मिक और मानसिक विकास को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह पांच मूल मंत्र बताए थे। अगर आप भी अपने जीवन में ये पांच मूल मंत्र को अपनाएं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और जीवन जिंदगी जीने की एक अच्छी सी राह मिलेगी और आप एक अच्छे मनुष्य बनेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और वीडियो लेकर के। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।